मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट पर दाखिले ना करने का मामला, हाईकोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ताहुक्म सानी तलबा के दाखिले रोक दिए हैं। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को दाखिलों के मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दिया गया। आपको आगाह करें कि मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट पर दाखिले ना करने का ये अहम मामला सामने आया है। इसी हवाले से हाईकोर्ट की जानिब से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ताहुक्म सानी तलबा के दाखिले रोक दिए गए हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद अशफाक जी। अशफाक जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में ताहुकम सानी तलबा के दाखिले रोकने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने बीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को तलबा के दाखिलों के मुतालिक दरख्वास्तों पर फैसले का हुक्म दे दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार को सुनकर 10 फरवरी को बीसी यूएचएस फैसला करें और इस हवाले से रिपोर्ट भी अदालत में जमा करवाई जाए। जस्टिस शाहिद बिलाल ने इस हवाले से ईमान अहमद समेत दिगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये मौकफ इख्तियार किया गया कि मेडिकल कॉलेजेस में मेरिट पॉलिसी के मुताबिक दाखिले नहीं किए जा रहे और ना ही रूल्स पर अमल दरामद किया जा रहा है, जबकि ज्यादा नंबर लेने वालों को दूर दराज जबकि कम नंबर वालों को लाहौर के मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले दिए जा रहे हैं। ताहम अदालत ने फौरी तौर पर निजी मेडिकल कॉलेजेस को दाखिले रोकने का हुक्म देते हुए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।